hi guys i am here with daily use english speaking practice sentences these sentences are at my behest treat me as your own this is the spirit pay homage or pay tribute these are my kids and kins now settle the matter anyhow i am in fix or dilemma he rebuked me unnecessarily यू बेटर लिसन अप एंड माउथ वाटरिंग दीज आर समच बी यूज इन अवर डेली लाइफ बी यूज दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन आवर कन्वर्सेशन सो डियर फ्रेंड्स यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेज के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए इन सेंटेंसेज का कैसे यूज करते हैं देखते हैं एट माय बीहेस्ट जब आपको कहना हो कि मेरे कहने पर यानी कि जब मैंने कहा तब ऐसा हुआ तब हम यूज करते हैं एट माय बेहेस्ट मेरे कहने पर जैसे ही हेल्पड यू एट माय बिहेस्ट उसने मेरे कहने पर आपकी मदद की ट्रीट मी एज योर ओन जब हमको किसी को ये कहना हो कि मुझे अपना ही समझो यानी कि मुझे कहीं बाहर का ना समझो मुझे अपना ही समझो तो बोलते हैं ट्रीट मी एज योर ओन मुझे अपना ही समझो जब कोई व्यक्ति दूसरों की मदद की बात करता है या कुछ ऐसी बात करता है जिसमें उसकी सेल्फलेसनेस नहीं झलकती है बल्कि वो दयालुता जनरेसिटी डरती है तो हम कहते हैं दिस इज़ द स्प्रिट ये हुई ना बात जैसे जैसे किसी की बात आ, मदद करने की बात आती है और कोई व्यक्ति कहता है मैं मदद करने के लिए तैयार हूं तो उस समय पे हम ये कह सकते हैं दिस इज इस द स्प्रिट यह हुई ना बात पे होमेज और पे ट्रिब्यूट जब किसी व्यक्ति को हमको श्रद्धांजलि देना अर्पित करना हो तो हम उसके लिए दो शब्द यूज कर सकते हैं पे होमेज और पे ट्रिब्यूट दीज़ आर माई kids एंड किन जब बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और हमको ये कहना हो कि ये मेरे सगे संबंधी और रिश्तेदार हैं तो हम यूज करते हैं दीज आर माई किट्स एंड किन्स जब कभी किसी कारण कोई बात बिगड़ जाती है और हम ये किसी से ये कहना चाहते हैं कि किसी भी तरह से इस बात को बनाओ इस मामले को सुलझाओ तो बोलते हैं नाउ सेटल द मैटर एनी हाउ नाउ सेटल द मैटर एनी हाउ अब मामले को किसी भी तरह से जमाओ किसी भी तरह से समझाओ सुलझाओ इस प्रकार से हम कह सकते हैं और जब आपको कोई बात समझ में ना आए ऐसा लगे कि ये करें कि वो करें ऐसा करें कि ना करें इस प्रकार की जब उलझन हो तब हम कहते हैं आई एम इन फिक्स आई एम इन फिक्स मैं उलझन में हूं या डिलेमा डिलेमा मतलब भी होता है असमंजस तो आई एम इन फिक्स और आई एम इन डिलेमा जब कोई किसी को बुरा भला कहता है रिव्यू यानी डांट करके यानी कड़, कड़े कड़े शब्दों में कुछ चीज कहता है तो उसके लिए रिव्यूड वर्ड यूज किया जाता है और नेसेसरी मतलब होता है जरूरी और उसमें अन लगा देते हैं से अननेसेसरली ही रिबियोग्ड मी अननेसेसरली उसने मुझे अनावश्यक रूप में यानी कि बिना मतलब में ज़रूरत नहीं थी फिर भी उसने मुझे डांटा बुरे शब्द कहे खरी खोटी सुनाई ही रिब्यूक्ड मी अननेसेसरली उसने मुझे अनावश्यक रूप से खरी खोटी सुनाई बुरा भला कहा इस प्रकार से यू बैटर लेसन अप जब हम किसी जब हमको किसी को ये कहना हो कि इस बात को आप इस तरह से सुनो कि आपको हमेशा याद रहे तो इसके लिए हम यूज करते हैं कान खोल के सुन लो तो कान खोल के सुन लो इसके लिए हम यूज करते हैं यू बेटर लेसन अप यू बैटर लेसन अप और हम देखते हैं डीप्रेंस जब कोई चीज़ हमको बड़ी टेस्टी या स्वादिष्ट दिखती है उसको देख करके हमारे मुंह में पानी आ जाता है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है इसके लिए वर्ड यूज होता है माउथ वाटरिंग माउथ वाटरिंग मतलब होता है मुंह में पानी लाने लायक जैसे किसी ने गर्मा गर्म कुछ पकौड़े देखे तो कह सकता है दीज प्रिटर्स आर माउथ वाटरिंग तो जब कोई चीज़ हमारे मुंह में पानी आ जाए तो उसके लिए हम माउथ वाटरिंग का यूज़ करते हैं सो डियर फ्रेंड्स दीज आर सम सेंटेंसेस विच विल हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश यदि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके डियर फ्रेंड प्रैक्टिस दिस सेंटेंसेज अगेन एंड अगेन बाई राइटिंग बाई लिसनिंग और बाई रीडिंग यू कैन ऑल्सो यूज दिस सेंटेंस बिकॉज दिस आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल सेंटेंसिसज थैंक यू फॉर वॉचिंग